Hello and good morning everyone. Very welcome to this YouTube channel. Myself, Gulshan Akhtar, your paper 1 faculty at Baiju's exam prep. So yes, quickly all of you join and let me know that the voice is clear, video is clear and the PPT is fine so that we can start with our class. Hopefully everything is fine everyone. Yes, very good morning, very welcome. Due to some issues or due to some problem, I couldn't come live on time. But yes, now we are live. So guys, if you can hear me, if you can hear, see the PPT and also the voice is clear, screen is clear, everything is clear, do let me know. Yes, all fine, all clear, chalo. So let's begin. So today's class will be on steps of research, where I will be covering theory as well as questions for your upcoming June 2023 examination. So here we'll do everything related to steps of research, like the important theories and also the questions that has been asked. Now, the questions I have picked up are very, I would say, different, and we haven't practiced it on YouTube. So the questions will help you understand the complexities of the topic, as well as this question will help you understand ki how we'll be answering, as well as it will also make you learn some new concepts. So I have tried to include some new questions of steps of research in today's session. So yes, let's get started. Before we begin, the timings of my classes will be on YouTube. It is Tuesday, Thursday and alternate Friday. So subah ke 10 baje. App pe meri classes hoti hain alternate Monday, Wednesday. That means agar is week meri class mein, the alternate week hoti hai. So is week meri class nahi hai. Next week meri Monday, Wednesday ko class hogi. Is tarah se. Subah ke 10 baje. Theek hai? चलो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी ब्यूटिफुल मोटिवेशनल कोट एंड द कोट इज लाइक स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट फॉर परफेक्शन. यस, तो अगर हमारा एक होता है ना कि अच्छा मुझे नहीं हो रहा है, या होता है कि ये वाला टॉपिक मैं नहीं कर पा रही हूँ, आज मैंने स्टार्ट किया है, मैं फिर भी क्वेश्चंस नहीं कर पा रही हूँ, मैंने पूरा दिन इतनी मेहनत से पढ़ा. सो प्लीज मेक श्योर कि परफेक्शन को स्ट्राइव ना करें, वो परफेक्शन तो आएगा ही विथ प्रैक्टिस. Make sure that you progress each day. हर रोज आप कुछ ना कुछ करो. Perfection will come eventually, but हमारा जो main focus होना चाहिए, it should not be कि perfection. अच्छा मैंने आज ही शुरू किया है, मैं बिल्कुल perfect हो जाऊँ, मैं बिल्कुल best हो जाऊँ. हमारा जो एक target होना चाहिए वो इस पे नहीं होना चाहिए कि हम इस पे अपनी energy waste करें. हमारी energy होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम कर सके, कुछ progress कर सके, जो हम कल थे उससे better हो सके, जो हमने कल किया उससे हम आज कुछ बेहतर कर सके. ये हमारा main जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए, राइट? सो इस ब्यूटीफुल से कोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे आज के दिन में. आज हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च को सीखेंगे एज वेल एज इसके कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे. सो यस, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो देखो बेसिक स्टेप क्या होगा रिसर्च करने का. तो हमें पता है कि रिसर्च क्या है. रिसर्च क्या है? प्रोसेस है, प्रक्रिया होती है रिसर्च, राइट? अब रिसर्च जब प्रक्रिया होती है तो उसके कुछ अपने स्टेप्स होंगे. जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, दैट मींस हम कुछ नया खोज रहे हैं, कोई हम नॉलेज को सर्च कर रहे हैं, तो जब हम उस रिसर्च को करेंगे तो उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं विद द प्रॉब्लम. हम रिसर्च करते हैं तो हम प्रॉब्लम से शुरू होते हैं और इसके बाद एक एक करके हम आगे स्टेप्स में बढ़ते हैं. सो ऑल टुगेदर यहाँ पे 7 स्टेप्स होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको परेशान नहीं होना है. किसी बुक में आप 9 पढ़ोगे, किसी बुक में 13 स्टेप्स बना के देंगे. है वही चीज, बस कहीं पर बढ़ा देते हैं तो कहीं पर उसको घटा के एक ही स्टेप में उन्होंने 2-3 चीजों को जोड़ दिया है. बस हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए कि किस तरह से रिसर्च होती है. 9-13 इनके चक्कर में मत पढ़ना, या 7 परेशान मत होना कि हमने सिर्फ 7 पढ़े हैं. सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. सीक्वेंस हमारा क्लियर होना चाहिए कि ये पूरा आपका क्या होता है, सीक्वेंस होता है रिसर्च करने का, ठीक है? तो चलो देखो, रिसर्च की अगर हम बात करें तो रिसर्च प्रोसेस के अंदर मल्टीपल साइंटिफिक स्टेप्स होते हैं. साइंटिफिक क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर हम हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल ऑर्डर में करते हैं, एज वेल एज स्ट्रक्चर्ड होता है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है. हर कुछ करने के पीछे लॉजिक होती है, रीजन होता है. ऐसा नहीं है कि बस मैं उठूंगी और मैं कुछ भी कर दूंगी. साइंटिफिक इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि सिस्टमैटिक है. जैसे साइंस में हम कभी भी कुछ भी नहीं कर देते, बट हम एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं.
स्ट्रक्चर्ड वे में आगे चलते हैं, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, तो ये आपका स्टेप रिसर्च करने के कुछ आपके बेसिक पूरा स्टेप आपका प्रोसेस होगा। अच्छा, तो आपकी हमें अगर रिसर्च की बात करूं, अगर मैं रिसर्च की बात करूं तो आप रिसर्च के प्रपोजल से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले हम रिसर्च का प्रपोजल लिखते हैं और उसके बाद रिसर्चर फिर आगे बढ़ता है। तो देखो, जो रिसर्च का प्रपोजल होता है वो हमारा एक डॉक्यूमेंट होती है जिसको हमें अपने यूनिवर्सिटी को लिख के दिखाना होता है। हमें ये डॉक्यूमेंट अपने यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होगा और हमारा यूनिवर्सिटी फिर हमारे रिसर्च को यहाँ से अप्रूव करेगा। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट में हम क्या लिखते हैं? इस डॉक्यूमेंट में हम लिखेंगे कि भाई मुझे ये रिसर्च क्यों करनी है, मैं रिसर्च यही टॉपिक क्यों लेना चाहती हूँ और इस रिसर्च के अंदर मैं कितना टाइम लगाऊंगी, कितने पैसे लगेंगे। तो हर एक चीज जैसे हम अपनी प्रपोजल के अंदर लिख देंगे जिससे कि यूनिवर्सिटी को एक एक समझ में आ जाएगा कि हमारी रिसर्च किस टॉपिक के ऊपर है और फिर वो अपना डिसीजन लेंगे कि भाई हमें ये रिसर्च उनको करने देना है या नहीं करने देना है, इस तरह से। ठीक है, सो हमारी जो रिसर्च की प्रपोजल होता है इस बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हम अपनी शादी का प्रपोजल भेजेंगे किसी के पास, तो हम उनको सब बताते हैं ना कि भाई हम काम क्या करते हैं, हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे। सिमिलरली रिसर्च आपको करनी है तो आप अपनी रिसर्च के बारे में अपनी यूनिवर्सिटी को पूरा प्रपोज करोगे कि भाई देखो ये मेरी रिसर्च है, मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहती हूँ और अपना रीजन बताओगे कि यही टॉपिक क्यों, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ। और प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाता है तब उसके बाद आप क्या करोगे, इस पे रिसर्च करोगे। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता तब आप क्या करोगे, फिर रिसर्च ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो। तो प्रॉब्लम फर्स्ट होती है, आप प्रॉब्लम ऑब्वियसली आपका करोगे, अपनी प्रॉब्लम सेलेक्ट करने के बाद ही प्रपोजल लिखोगे। बट ऐसे इसको देखोगे कि जब हम रिसर्च शुरू कर रहे हैं तो मैं पहले अपना प्रपोजल लिखूंगी जिसमें मैं प्रॉब्लम पहले से चुन चुकी हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने लिटरेचर रिव्यू पहले से कर चुकी हूँ। तो प्रपोजल एग्जैक्टली कौन से स्टेप पे आता है वो भी मैं भी आपको आगे बताऊंगी। प्रपोजल का हम थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं। तो 2500 से लेके 4000 वर्ड्स तक का आपको प्रपोजल लिखना होता है, जिसका फॉर्मेट कुछ यूं होगा कि सबसे पहले आप अपना टाइटल लिखोगे, देन अपना बैकग्राउंड लिखोगे कि भाई यही टॉपिक आपने क्यों चुनी है, क्यों इस टॉपिक को हम उठाना चाह रहे हैं, इस टॉपिक पे हमें रिसर्च क्यों करनी है। देन आप लिखोगे क्वेश्चन कि किस टॉपिक पे इन्वेस्टिगेशन करना है, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होगा। अभी तो आपने टाइटल दिया, अब क्वेश्चन क्या आप ढूंढना चाह रहे हो, क्या आप देखना चाह रहे हो अपने रिसर्च में, किन मेथड से आप रिसर्च करोगे, आपका वर्किंग प्लान क्या होगा, क्या किस तरह से आपने डिजाइन किया हुआ है अपने रिसर्च को। देन लास्ट में लिखोगे बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में कि कौन कौन से सोर्स को आपने यूज किया है प्रपोजल लिखने के दौरान। तो आप अपने रिसर्च प्रपोजल में अपना पूरा डिटेल्ड प्लान दोगे, अपना उद्देश्य बताओगे रिसर्च का कि भाई ये रिसर्च मुझे क्यों करनी है। ठीक है, अभी जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो आप रिसर्च करने लग जाते हो। फाइन, तो आपने पूछा कि प्रॉब्लम हमारा फर्स्ट होता है, प्रपोजल कहाँ आएगा, तो हम इस पहले स्टेप्स को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पर हम किस स्टेप पे प्रपोजल लिखेंगे एक्चुअली। सो सबसे पहले तो होगा हमें रिसर्च करनी है, उसके लिए प्रपोजल लिखना है, उसके लिए हमें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि मुझे रिसर्च किस टॉपिक पे करना है, मेरी क्या प्रॉब्लम होगी, किस टॉपिक पे मैं रिसर्च करूँ। तो आपने अपनी टॉपिक को चुन लिया, फाइन, आपकी प्रॉब्लम चुन ली गई, आपका एरिया चुन लिया गया जिसमें आपको रिसर्च करना है, जो समस्या आपको लग रही है आपने उसको चुन के आगे आप बढ़ोगे और लिटरेचर रिव्यू करोगे कि अभी तक इस टॉपिक पे क्या क्या रिसर्चेस हो गई हैं। तो एक्चुअली लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर कोई भी रिसर्च हो सकती है, कोई बुक, कोई पेपर, कुछ भी जो आपके प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ हो। जैसे मैं किसी एक प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रही हूँ, मान लो एग्रीकल्चर के किसी एरिया में मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो इस टॉपिक पे अभी तक जितनी भी रिसर्चेस हो गई हैं, इस टॉपिक पे अभी तक जितनी भी स्टडीज हो गई हैं, सब मेरे लिए क्या है, लिटरेचर है। मैं उसको पढ़ूंगी अच्छे से और देखूंगी, राइट, मैं देखूंगी कि भाई इसमें क्या क्या चीजें रिसर्च हो चुकी हैं और अभी क्या बचा है, अभी क्या बचा है हमारे लिए, हम और क्या रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, हमने अच्छे से उस टॉपिक की समझ ले ली जिस टॉपिक पे हमें रिसर्च करनी है कि क्या रिसर्च हो गई है, क्या रिसर्च अभी बची हुई है, बाकियों ने किस तरह से रिसर्च की थी, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, सब कुछ बहुत डिटेल में अपनी जब रिसर्च के बारे में आपको एक आइडिया लग जाएगा तब आप चलोगे स्टेप नंबर 3 पे, जहां पर आप बनाते हो अपनी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है,
हाइपोथेसिस होती है टेंटेटिव अजम्पशन, गेस होता है। जैसे मेरा कुछ मानना हो सकता है, मेरे सामने एक समस्या है और उस पे मेरा मानना ये है, कुछ भी, ठीक है। अब जो भी मेरा मानना है मैं क्या करूंगी, उसी के ऊपर आगे काम करूंगी कि मुझे ये लग रहा है ये सही है या ये गलत है। तो इसको हम हाइपोथेसिस को टेंटेटिव अजम्पशन बोलते हैं, अस्थाई परिकल्पना बोलते हैं। अस्थाई इसलिए होता है क्योंकि ये मेरा मानना है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अभी हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और देखेंगे क्या ये प्रूव हो रहा है, क्या मेरा मानना सही था या जो मैं मान रही हूँ वो गलत है, ठीक है। इस तरह से देखोगे। सो आपका स्टेप नंबर थ्री, जहां पर आपने अपनी हाइपोथेसिस बनाई, आपने अपना एक टेंटेटिव अजम्पशन बना लिया कि भाई मेरे अनुसार मुझे ये सही लग रहा है या मेरे अनुसार मुझे सही नहीं लग रहा है। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, आप आगे चलोगे, डिजाइन बनाओगे। तो मैं पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, मान लेते हैं कि मेरी रिसर्च है ओबेसिटी के ऊपर, मोटापे के ऊपर, ठीक है। सो आपकी जो स्टेप नंबर वन आपने लिया है, आपने प्रॉब्लम ली है ओबेसिटी। आपका प्रॉब्लम के बाद आपने अच्छे से लिटरेचर रिव्यू करा, आपने देखा क्या क्या रिसर्चेस हो गई हैं। तो आपने देखा कि लोगों ने रिसर्च करी है और बताया है कि इसके इल इफेक्ट्स क्या होंगे, दुष्प्रभाव क्या होंगे, जो मोटे हैं उनको लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, आपने देखा है कि अलग अलग स्टडीज ने अलग अलग अपनी फाइंडिंग्स दी हैं। कुछ लोगों ने ये बोला है कि वॉकिंग, कुछ स्टडीज में ऐसे लिखा हुआ है कि जो चलना है अगर हम वॉक करें तो एक उसमें एक फायदा ये हो सकता है कि मोटापे को कम कर सकता है, कुछ स्टडीज ने ये बोला है। अब आप यही चीज प्रूव करना चाहते हो, आप यही चीज को स्टडी करना चाहते हो कि क्या एक्चुअली, आप यही चीज स्टडी करना चाहते हो कि भाई क्या एक्चुअली वॉकिंग से कंट्रोल हो सकती है ओबेसिटी। अभी कंफर्म नहीं है, कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ लिखा था आपने, वहां से ये अपना अजम्पशन उठाया, आपको ये आपको लग रहा है कि वॉकिंग से कम हो सकता है ओबेसिटी, आप इसको प्रूफ करना चाहते हो। तो ये आपका मानना हो गया, ये आपकी हाइपोथेसिस हो गई। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? ये आपका हाइपोथेसिस होगा, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि मुझे लग रहा है वॉकिंग से ओबेसिटी कंट्रोल हो सकती है अगर हम चलेंगे कितना, 10,000 स्टेप्स चलेंगे, आपका मानना है। अगर हम दिन में 10,000 स्टेप्स चलेंगे तो बिल्कुल हम मोटापे को अपने कम कर सकते हैं, ये मैं प्रूफ करना चाहती हूँ, इसके ऊपर ही मैं रिसर्च करूंगी। सो जब आप रिसर्च करोगे एक अपने मानने को लेके, आप अपनी एक अजम्पशन को लेकर जिसको प्रूफ करना चाहते हो, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। नाउ एक बार हर कोई क्लियर कर दो कि समझ आ रहा है तो हम आगे बढ़े। क्लियर है? यस। ओके अब देखो, जब मैंने हाइपोथेसिस अपनी बना ली, उसके बाद क्या होगा, मैं अपनी रिसर्च डिजाइन बनाऊंगी। मैंने मान लिया कि मुझे ये प्रूफ करना है, मैंने जो चीज प्रूफ करनी है वो चीज मुझे पता है ऑलरेडी। अब उसको करने के लिए आप प्लानिंग करोगे, जो प्लानिंग करते हो कि मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा, इसको पहले करूंगा, उसको बाद में करूंगा, कुछ भी काम करते हो प्लानिंग करते हो ना, उसी तरह से जब रिसर्च करते हो तो भी प्लानिंग करते हो, और उस प्लान को हम बोलते हैं रिसर्च का डिजाइन, ठीक है। तो मुझे रिसर्च करनी है, मैं पहले क्या करूंगी, मैं पहले रिसर्च का पूरा अच्छे से प्लान बनाऊंगी, उसको हम डिजाइन बोलते हैं और ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है वो। आपने डिजाइन बना ली, अगले स्टेप के तरफ चलोगे, वो होगा कि आप अपना रिसर्च का प्रक्रिया पूरी करोगे जो ऐसे आपने प्लान किया है। तो इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, इसके अंदर आप सबसे पहले अपना सैंपल चुनोगे, डिजाइन बन चुकी है, प्लान बन चुका है, अब जो रिसर्च करनी है सबसे पहले आप अपना नमूना चुन लो, सैंपल आ जाएगा। अब कहीं किसी बुक में पढ़ोगे तो पहले सैंपल लिखा होगा, अलग अलग कर देंगे, पहले सैंपल है फिर डेटा कलेक्शन है, तो सारे स्टेप्स यही रहते हैं, कहीं पर बढ़ा के देंगे, कहीं पर उसको एक में करके दे देंगे, तो कंफ्यूज हमें नहीं होना है। जब हमारा रिसर्च हम प्लान कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम सैंपल चुनते हैं अपनी, सैंपल चुन लिए हमने तो उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट हो गया है तब हम डेटा को क्या करेंगे, डेटा को हम जब मिल गया है तो क्लासिफाई करा, अलग अलग क्लासेस में हमने बांट दिया, डेटा को टेबल्स वगैरह में अरेंज कर दिया, ये सब चीजें हमने कर ली। अब मेरे पास डेटा तो आ गया है, जो भी मुझे रिसर्च करनी थी जिसके ऊपर वो मेरे पास है, अब उस डेटा को मैं एनालाइज करूंगी, उस डेटा का विश्लेषण करके देखूंगी, ठीक है। मैं डेटा का विश्लेषण करके देखूंगी डेटा क्या कहना चाह रहा है, और जब हम विश्लेषण कर लेंगे अपनी हाइपोथेसिस को भी हम यहीं पर टेस्ट करते हैं,
ठीक है, हम हाइपोथेसिस को यहीं पर टेस्ट करेंगे और फिर हम उसके ऊपर लिख देंगे रिपोर्ट। जो भी मेरी फाइंडिंग होगी, मेरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है, जो भी मेरी फाइंडिंग है उसको मैं क्या करूंगी, अपने रिसर्च के अंदर लिख दूंगी। तो ये आपकी रिसर्च की प्रक्रिया हो जाएगी, आपका रिसर्च का स्टेप्स हो जाएगा। क्या क्या है रिसर्च का स्टेप? सबसे पहले हमने प्रॉब्लम चुनी, प्रॉब्लम के ऊपर हमने अच्छे से जो भी पास्ट रिसर्चेस हो गई थी उनको पढ़ा, एक आइडिया ली, समझ ली और वहीं से अपनी एक हाइपोथेसिस बनाई। उसको हमने प्लान किया कि भाई ये हाइपोथेसिस प्रूफ कैसे करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, तो प्लान बनाया, दैट इज रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन बन गई तो जो प्लान किया है वो करोगे, दैट इज कैरी आउट योर रिसर्च प्रोसेस। डेटा मिल गया उसका एनालिसिस करो और जो आप फाइंडिंग्स हैं उसको रिपोर्ट कर दो। ये आपका पूरा रिसर्च का क्या होता है, प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक दो बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है मेथडोलॉजी और मेथड्स के बीच में डिफरेंस। तो ये मेथडोलॉजी क्या है? अभी जो पढ़ा ना आपने स्टेप्स, या बोल सकते हो प्रक्रिया, प्रोसेस रिसर्च की, यही क्या है? हाँ जी, शॉर्ट रिविजन मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो देखो, आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, तब आप क्या करोगे, उसको रिपोर्ट कर दोगे कि ये चीज जो मैं मान रही थी ये सही नहीं है। तो जो भी होगा, एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, आपको रिपोर्ट करना होगा। अब यहां पर आप देखोगे डिफरेंस बिटवीन मेथडोलॉजी और मेथड्स। तो डिफरेंस क्या है एक शॉर्ट में? मेथडोलॉजी प्रक्रिया होती है, मेथड्स है रिसर्च के टाइप्स, कि कौन सा टाइप यूज करके रिसर्च करोगे। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया मेथडोलॉजी होती है, जो कि ब्रॉडर टर्म है, जबकि मेथड्स क्या होता है, नैरो टर्म होता है, नैरो कॉन्सेप्ट होता है। दैट इज बस उस रिसर्च को करने में, उस पूरी प्रक्रिया में हमने एक रिसर्च का प्रकार को यूज किया है। तो पूरी मेथडोलॉजी आपका ब्रॉड टर्म हो गया, और जो मेथड्स होता है कि भाई हमने ये वाला टाइप यूज करके रिसर्च करी है, तो ये नैरो टर्म होता है। क्लियर है? एक बार देख लो, मेथडोलॉजी मतलब पूरी प्रोसेस, यहाँ पर लिखा है कि इसके अंदर सारे मेथड्स और प्रोसीजर आ जाएंगे जिससे आप रिसर्च कर रहे हो, जबकि मेथड्स का मतलब हेलो एवरीवन, यस, नाउ इज इट फाइन? अभी आवाज ठीक हो गई है? चलो अभी एक बार बता दो। यस, ओके, क्लियर। चलो, तो मेथड्स एंड मेथडोलॉजी हम देख रहे थे, एक बार फिर से जल्दी से देखेंगे। मेथडोलॉजी होता है रिसर्च की प्रक्रिया, प्रोसेस, जबकि मेथड्स क्या होता है, रिसर्च का टाइप, कि रिसर्च हमें कैसे, तो स्टडी हम इस टाइप से करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके अंदर, अब आप रिसर्च के अंदर एक मेथड का इस्तेमाल कर लोगे, तो इसीलिए बोला जाता है ये ब्रॉड होता है जबकि ये नैरो है, क्योंकि मेथडोलॉजी के अंदर मेथड इंक्लूडेड होता है। दैट्स इट। चले, अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है आज के। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया है, पहले क्वेश्चन में करेक्ट सीक्वेंस आपको आइडेंटिफाई करना है ऑफ दी स्टेप्स आइडेंटिफाइड बाय डेविड, राइट? बफरिंग हो रही है वीडियो, ओके, सबको डी लग रहा है। क्वेश्चन हिंदी में देखो, शोध प्रक्रिया के यहाँ पे चरण क्या क्या होंगे, चरण के सही क्रम क्या होंगे?
सो सब ने बोला है डी, हिंदी भी देख के इंग्लिश भी देख के एवरीवन बिलीव्स द आंसर विल बी सी। तो सबसे पहले हमारा जो रिसर्च है वो कहाँ से शुरू होता है, आपकी प्रॉब्लम से शुरू होता है, ठीक है, समस्या से शुरू होता है, तो क्या होगा हमारा ई, सबसे पहले ई होगा, और ई सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर डी में है तो वही करेक्ट होगा। देख लो हमारी रिसर्च स्टार्ट होती है विद प्रॉब्लम, सो ई हमारा सबसे पहले होगा। आप प्रॉब्लम के बाद आप क्या करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो जो कि यहाँ दिया नहीं है। लिटरेचर रिव्यू के बाद हाइपोथेसिस आएगी, ठीक है, 5-3 हो जाएगा। हाइपोथेसिस बना ली, तब डिजाइन बनाते हो, 1 हो गया। अब डिजाइन बन गई तब कलेक्शन करोगे डेटा का, और फिर उसके बाद एनालिसिस होगा। तो हमारा सही जो क्रम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इजी है ये बहुत, राइट। चलो अब हम आगे देखेंगे, जब हम रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो किन किन इनमें से कौन से हमारे इश्यूज हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं। वेन एवर यू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, प्रपोजल क्या होता है विद फॉर्मेट अभी हमने देखा, तो उसको लिखने के टाइम पे कौन कौन से इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। ओके, चलो हिंदी देखते हैं, शोध प्रस्ताव लेखन में मुद्दे क्या क्या हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर भी सबको डी लग रहा है। देखें करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फोर्थ ऑप्शन को छोड़ दें जो कि बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, हम शोध प्रस्ताव अपने अपने मित्रों और सहयोगियों को तो नहीं मनवाएंगे, लेकिन उसके अलावा सब कुछ हमारा होगा। तो एक बार यहाँ देखो, टॉपिक होगा, ऑब्जेक्टिव लिखते हो, हाइपोथेसिस बनाओगे, और करेक्ट रिसर्च मेथड और डेटा एनालिसिस टेक्निक को चुनोगे, कन्विंसिंग फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ये नहीं होगा हमारा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सब कुछ करते हो, अभी हमने फॉर्मेट देखा, एक बार हम फिर से वापस जाके देखेंगे ताकि हमको अच्छे से और क्लियर हो जाए। रिसर्च के जब प्रपोजल लिखते हो तो टाइटल लिखोगे, फिर बैकग्राउंड आएगा, फिर क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें रिसर्च के अंदर कौन से क्वेश्चन को एड्रेस करना है, किन मेथड से करना है, क्या हमारा रिसर्च के अंदर टाइप हम इस्तेमाल करेंगे, वर्किंग प्लान क्या है आपका, क्या टाइमलाइन होगी, कब क्या चीज़ करोगे, कौन कौन से सोर्सेज को रेफर किया है, वो बिब्लियोग्राफी लिखोगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि आपके क्वेश्चन के अंदर थी, ओनली एक्सेप्ट व्हाट क्वेश्चन, जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो नहीं होगा, ठीक है। सो जब हम रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो ये कुछ हमारे क्या होते हैं, इश्यूज होते हैं। टॉपिक सेलेक्ट करना, ऑब्जेक्टिव्स या एम को डिसाइड करना, लिटरेचर रिव्यू करना, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना, मेथड, डेटा कलेक्शन, और फिर अपना कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी लिखना, ये सारी चीजें। चले मेटा एनालिसिस के स्टेजेस को आइडेंटिफाई करो। मेटा एनालिसिस क्या होती है अभी हम कुछ देर में सीखेंगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ के कर सकते हो, सोच के कर सकते हो, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेट्स हैव अ लुक। ग्लैड टू नो दैट श्रद्धा, एंड आप सब जब अच्छे से पढ़ते हो और आंसर कर देते हो तो मेरा भी दिल खुश हो जाता है। तो चलें अभी हम इसको देखेंगे, मेटा एनालिसिस के आपके क्या क्या चरण होंगे। राइट साइड से क्वेश्चन कट रहा है, हाँ
अच्छा इसमें बहुत ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं घटे, खाली मेटा का टी एक घटा है, तो उसको हम थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। ओके, ए बोला है सबने, मेजॉरिटी ने, सी और बी भी लग रहा है सब कुछ को, तो करेक्ट आंसर देखो यहाँ पे इसका क्या होगा, सी होगा। हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं करेक्ट आंसर पे, मेटा एनालिसिस क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेटा एनालिसिस में लिटरेचर को हम समझेंगे, हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को देखते हैं, एज वेल एज हम प्राइमरी स्टडीज को लोकेट करते हैं। हम एनालिसिस करते हैं जिस चीज की स्टडी हो गई मेटा एनालिसिस में, तो हम सेकेंडरी डेटा आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। नई स्टडी मेटा एनालिसिस में नहीं हो रही, ये एनालिसिस है। अब आप ऐसे सोचो एक्सक्यूज मी, जो रिसर्चेस हो गई है ना हम उसकी एनालिसिस करते हैं, तो हम खुद नई स्टडी नहीं करेंगे मेटा एनालिसिस के अंदर, तो ये दो ऑप्शंस नहीं होंगे। आप एग्जैक्टली मेटा एनालिसिस क्या होता है हम थोड़ा सा उसको समझ के आएंगे और फिर हम क्वेश्चन और अच्छे से समझेंगे। मेटा एनालिसिस हमारा वो एनालिसिस टेक्निक होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, जहाँ पर हम मल्टीपल स्टडीज के रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं। जैसे आपने कुछ रिसर्च की है, किसी और ने रिसर्च करी, हमने उसके रिसर्च को पढ़ा, किसी और ने रिसर्च करी, सबके स्टडीज को पढ़ के समझ के हमने सारे रिजल्ट को कंबाइन किया, ये क्या हो गया, ये मेटा एनालिसिस हो गया। अच्छा ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे रिसर्चेस है ना, हम उसको जो प्रीवियस रिसर्चेस हो गए हैं उनको देख के, वहां से समझ के, वहां से एक आइडिया लेके, जो भी आप कह सकते हो कि आपको कुछ गलत हो सकता है लग रहा हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो आप बाकी रिसर्चेस के एनालिसिस को लेके इंटरप्रिटेशन दोगे जो ज्यादा वैलिड होगा, जो ज्यादा रिलायबल होगा। ठीक है, इसलिए हम मेटा एनालिसिस कर लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम साइंटिफिक जो मल्टीपल स्टडीज हैं उनको हम लेके, उनको कलेक्ट करके उनके फाइंडिंग्स को कंबाइन करते हैं। सो एक बार हम यहाँ देखेंगे, मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिकली कंबाइन किया जाता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेक्निक्स को फ्रॉम सेवरल स्टडीज, अलग अलग जो स्टडीज हुई हैं सिंगल कंक्लूजन देने के लिए। ये जो कंक्लूजन है ये जो हमारा कंक्लूजन है, निष्कर्ष हम निकाल रहे हैं, किसी एक सिंगल स्टडी से ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि हमने कई स्टडीज के रिजल्ट को कंबाइन कर लिया, तो ये जो कंक्लूजन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ज्यादा सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स, अब आपने कुछ लोगों पे स्टडी किया, किसी दूसरे ने कुछ लोगों पे, और तीसरे ने कुछ लोगों पे स्टडी किया, तो ऐसे हम ज्यादा से लोगों को एक साथ, अगर हम सबकी स्टडीज को मिला दें तो ज्यादा से लोगों को एक साथ हमने स्टडी कर लिया, हमने अलग अलग रिजल्ट्स को कंबाइन किया, तो जब हम कंक्लूजन देंगे ऐसा कॉम्बिनेशन करके, कंबाइन करके, तो हमारा रिजल्ट ज्यादा क्या होगा, रिलायबल होगा। सो हिंदी में क्या होगा, मेटा एनालिसिस सिंपल होता है। मेटा एनालिसिस में हम कई सारे रिसर्चेस के फाइंडिंग्स को मिलाते हैं और मिला के हम एक कंक्लूजन देते हैं। एग्जाम्पल एक हम ले लें। अब देखो किसी डिप्रेशन की मान लो आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, डिप्रेशन की आप स्टडी कर रहे हो और आपने देखा कि किसी एक ने डिप्रेशन की स्टडी की है कि जब हम डिप्रेशन की मेडिसिन देंगे, डिप्रेशन की मेडिसिन या पिल्स दोगे तो क्या इससे डिप्रेशन कंट्रोल होता है, क्योर होता है। किसी ने स्टडी करी है मेडिटेशन से, मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन से डिप्रेशन कंट्रोल होता है। आपने किसी और की स्टडी देखी है कि डिप्रेशन कंट्रोल होता है एनवायरमेंट, वातावरण बदल देने से। ठीक है, सो हमने अलग अलग स्टडीज को कंबाइन किया कि किस स्टडी ने क्या बोला है, मेडिसिन से कितना कंट्रोल हुआ, मेडिटेशन से या एनवायरनमेंट बदल देने से, और हमने सबकी स्टडी को पढ़ के अपना एक वन कंबाइंड रिजल्ट दिया कि डिप्रेशन को क्योर करने का, डिप्रेशन को ट्रीट करने के ये तीन तरीके हो सकते हैं। हमने 70% मतलब हमने इतने लोगों पे, मान लो 100 लोगों पे मेडिसिन का इफेक्ट देखा, तो उसमें 70% हमको रिजल्ट मिला, मेडिटेशन करके 80% हमको रिजल्ट मिला, एनवायरनमेंट बदल के हमको 90% रिजल्ट मिला। हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट सबसे कारगर है। तो आपने क्या किया, मेटा एनालिसिस मतलब आपने अलग अलग स्टडीज को कंबाइन किया, अलग अलग स्टडीज की फाइंडिंग्स को कंबाइन किया जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर था, और फिर आपने एक कंबाइंड अपना कंक्लूजन दे दिया। यही क्या होता है, यही आपका मेटा एनालिसिस कहलाता है। एम आई क्लियर? बताओ।
आगे बात सबको समझ में, कहीं पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो। क्विकली। अच्छा, सो रिपीट रिपीट के लिए एक बार सीमा वापस से रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी। अभी यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, फिर से क्लियर हो जाएगा कि मेटा एनालिसिस के स्टेजेस क्या होंगे। लिटरेचर्स, जो प्रीवियस लिटरेचर्स हैं उनको आपने अंडरस्टैंड किया, प्राइमरी स्टडीज की क्या स्टडीज हो चुकी हैं इस टॉपिक पे, किसने किसने रिसर्च करी आप उनको लोगे। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द स्टडी डेवलप करोगे कि भाई किन रिसर्चेस को हम अपनी रिसर्च के अंदर, इस एनालिसिस के अंदर इंक्लूड करेंगे, किन रिसर्चेस को हम नहीं देखेंगे, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी बनाओगे मेटा एनालिसिस के टाइम पे। ओके, चल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखेंगे, रिसर्च के स्टेप्स हैं और उसके मेन फीचर्स हैं। ये छोटे छोटे से कीवर्ड से हो जाएगा, ध्यान से पढ़ो। आपको अलग अलग चार स्टेप्स दिए हैं और चार फीचर्स दिए हैं, उनको आपको मैच करना है। यस, सो गो अहेड एवरीवन। हिंदी देखते हैं, शोध के चरण और उसकी मुख्य विशेषताएं। ऑल राइट, सो एवरी वन बिलीव्स आंसर डी होगा, एलिमिनेट कर लो। बिल्कुल, एक दो ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन हो जाता है इस तरह वाला, मैच द फॉलोइंग वाला, ये सबको डी लग रहा है। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल डी है इसका। एंड अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, प्रॉब्लम आ रही है। जब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे तो इसमें होता है कि हम हर चीज़ को अच्छे से डिफाइन करें, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन प्रॉपर दें कि भाई हम अपनी रिसर्च में क्या करना चाहते हैं। तो ए फोर होगा, यहां से हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हाइपोथेसिस जब बनाते हो तो हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो, क्या रिलेशन लग रहा है। जैसे हमें लग रहा है डिप्रेशन मेडिसिन से क्योर हो सकता है, हमें ये रिलेशन लग रहा है, तो हाइपोथेसिस बनाते हो तो आप रिलेशनशिप वगैरह अच्छे से स्पेसिफाई करते हो। सैंपल की बात करें तो सैंपल होता है पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव, C2 से हो सकता है। एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम अलग अलग स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज करते हैं फॉर डेटा एनालिसिस, राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, B3। मतलब आपके सारे ऑप्शन से आंसर बन जाएगा, बिल्कुल। अगला देखेंगे, स्टेप्स ऑफ रिसर्च है फिर से, और यहाँ टेक्निक यूज है कि किस स्टेप में क्या टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। राइट, चलो हिंदी देख लेते हैं, सबने इंग्लिश में ए बोला है तो हिंदी देखो और बताओ, शोध के चरण और उसके अंदर प्रयोग की जाने वाली आपकी तकनीक क्या क्या होगी इनमें से। चलो, करेक्ट आंसर बिल्कुल ए होगा। एंड किस तरह से हम देखेंगे, हमारा करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा हाइपोथेसिस के अंदर रिलेशनशिप आता है, 2-4 होगा। 2-4 हमने देखा है, ये है
मिल गया आंसर। इसके अलावा देखो सैंपल, सैंपल के अंदर हम पॉपुलेशन से एक छोटा सा सबसेट उठाते हैं तो 3 का होना चाहिए 2। इसके अलावा डेटा एनालिसिस में आप टैब्यूलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, जबकि आपका प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है क्वेश्चन रेस करते हो, तो आपका करेक्ट आंसर मिल गया। तो इस तरह से एलिमिनेट करो कि अच्छा मुझे 2 का 4 पता है, बाकी नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया, आंसर हो गया। ठीक है, पेपर 1 हमारे YouTube चैनल पे आपको पूरा मिलेगा पढ़ने को, बट यस मैं फर्स्ट 4 यूनिट्स पढ़ाती हूँ पेपर 1 की। अच्छा, विच अमंग द फॉलोइंग असिस्ट रिसर्चर्स एज अ डेटा कलेक्शन टूल, तो इनमें कौन कौन से आपके डेटा कलेक्शन टूल है, क्वेश्चन फ्रॉम ICT भी है और ऑब्वियसली स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंदर हमारा इंक्लूडेड है, क्योंकि स्टेप नंबर 5 पे हम करते हैं डेटा को कलेक्ट। तो कौन से टूल, कौन से आपके पास जो ऑप्शंस में अवेलेबल आपके पास ऑप्शंस हैं वो आपको डेटा कलेक्ट करने में मदद करेंगे। यस, हिंदी देखें, गूगल फॉर्म है, सर्वे मंकी है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है, एन वीवो है और ब्लेंडर है। इस बार फिर से सबको लग रहा है ऑप्शन नंबर ए होगा, एंड यस द करेक्ट आंसर विल बी ए, गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म होता है, एन वीवो नहीं होगा, ये एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ब्लेंडर एनिमेशन वगैरह बनाने के लिए आपका एक सॉफ्टवेयर है। सो एन वीवो क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज करने का सॉफ्टवेयर पैकेज है, ब्लेंडर आपका फ्री ओपन सोर्स 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर टूल है, जिससे आप एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, 3D मॉडल्स, इस तरह की चीजें कर सकते हो। ठीक है, जबकि गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी हो गया एंड आपका माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म हो गया, ये डेटा कलेक्शन के टूल्स हैं, रिसर्च के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, चले एक और होता है, यहाँ पर आप एक और नाम लिख सकते हो, क्वालिट्रिक्स, जिससे कि अगर अगली बार आपसे ये पूछे तो आपको ये भी बताओ क्वालिट्रिक्स होता है। सर्वे मंकी जैसे है वैसे ही क्वालिट्रिक्स भी आपके एक सॉफ्टवेयर, आपका जो एक आपका होगा डेटा कलेक्शन का टूल। ठीक है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डी ब्रीफिंग कब करते हो, डी ब्रीफिंग करते हो तो इसके अंदर क्या क्या चीजें करोगे, डी ब्रीफिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी आएंगी डेटा कलेक्शन के बाद। सर्वे मंकी भी आपका डेटा कलेक्शन का टूल है, यहाँ से भी आप क्या करते हो, ये पूरा आपका एक सॉफ्टवेयर है जहां पर आप जाओगे। ठीक है, सॉरी, सर्वे मंकी वेबसाइट है आपकी और यहां पर आप जाएंगे अपनी सर्वे रिक्वेस्ट रेज करेंगे, पेड होता है, यहाँ पर आपको पैसे देने होंगे, सर्वे मंकी में जो भी आपके एक्सपर्ट्स बैठे होंगे वो आपसे पैसे लेंगे और उसके बाद जिस तरह का आपको सर्वे चाहिए आपका सर्वे क्रिएट कर देंगे और अलग अलग उसको जगहों पे सर्कुलेट कर देंगे। जैसे मान लो कि आपका जो सर्वे है वो UGC नेट से जुड़ा है, तो UGC नेट की जो वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी, जो आपके यूट्यूब चैनल्स वगैरह हो सकते हैं, तो वहां पर आपके सर्वे के लिंक को वो डाल देंगे कि लोग वहां पर जाके आपके सर्वे को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये होता है सर्वे मंकी, इसी तरह से क्वालिट्रिक्स भी होता है। चले अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, PPT इनकम्प्लीट है, मैं पढ़ देती हूँ जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, जैसे कि आपका ये कट रहा है प्रेजेंट रिसर्च, बस यहीं तक है, यहां पर है मेडिकल और साइकोलॉजिकल अटेंशन, फाइन, और यहाँ पर कुछ नहीं है, पब्लिकेशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ रिसर्च इन द जर्नल, ये है। ठीक है, सो सारा है, ये मत सोचो इसके बाद कुछ लिखा है, इसके बाद कुछ नहीं है, कंप्लीट है। ठीक है, डी ब्रीफिंग के अंदर हम कौन कौन सी क्रिया करेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे, एक बार देख के आंसर करना।
डन। तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। सबने बोला सी होगा या डी होगा, कुछ भी मिले आंसर, करेक्ट आंसर बी होगा। तो यहाँ डीब्रीफिंग होता क्या है एक्चुअली, पहले हम उसको समझ लेते हैं। डीब्रीफिंग आपके एक्सपेरिमेंट के बाद या आपकी स्टडी के बाद का एक क्रिटिकल पार्ट होता है। अगर आपने ह्यूमंस पे रिसर्च करी है ना, तो रिसर्च करने के बाद हम डीब्रीफिंग करते हैं। कब करते हो डीब्रीफिंग, किस केस में डीब्रीफिंग आपके ऊपर ज़रूरी हो जाता है एज अ रिसर्चर? तो देखो कभी कभी रिसर्च के अंदर हमें करना होता है डिसीव अपने पार्टिसिपेंट्स को। डिसीव का मतलब है कि हम उनको सारी चीज़ नहीं बता सकते। हम उनको कभी बोलते हैं ना कि ये चीज़ ये है, बट एक्चुअली वो नहीं होता है। बट हम उनको थोड़ा सा यहाँ पर झूठ बोल सकते हैं। जैसे मैं प्लसीबो कर रही हूँ, प्लसीबो मतलब मैं आपको एक दवा दे रही हूँ जो एक्चुअली वो चीनी की गोली है, लेकिन हम बोल रहे हैं ये मीठी सी गोली है, लेकिन हम बोल रहे हैं ये दवा है, ये मेडिसिन है किसी एक पर्टिकुलर चीज की। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये आपकी दवा है, बट एक्चुअली वो दवा नहीं थी। तो हमने आपको किसी ना किसी तरह का डिसीव किया हुआ है। ठीक, आप किसी तरह का जब आप डिसीव कर रहे हो, डिसेप्शन कर रहे हो, तो लास्ट में आपको उनको क्लैरिफाई करना होता है कि हमने रिसर्च में आपके साथ ये किया था, उद्देश्य मेरा ये था इसके पीछे करने का, ये चीजें मैंने करी थी, मैं अच्छे से उसको आपको समझाऊंगी लास्ट में, ऐसे आपको नहीं जाने दूंगी। ये एक्चुअली क्या होता है, डीब्रीफिंग होता है। डीब्रीफिंग में हम सेमी स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड होता है हमारा वर्बल कॉन्वर्सेशन, मतलब प्लान्ड आपका कॉन्वर्सेशन होता है, जहां रिसर्चर अपने पार्टिसिपेंट्स को जो भी टॉपिक है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह वहां पर थे, उसको एड्रेस करेगा। पहले वो पूछेगा आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आपके दिमाग में एज अ पार्टिसिपेंट कुछ क्वेश्चन है तो पूछोगे। आप पूछ सकते हो कि मुझसे झूठ क्यों बोला गया, या जो भी आपके दिमाग में वो आप उससे पूछ लोगे। रिसर्चर आपको सारी बातें बताएगा, एज वेल एज डीब्रीफिंग के अंदर हमने जो भी चीज आपको डिसीव, हमने जो भी रिसर्च के अंदर आपसे झूठ बोला होगा, उसका रीजन समझाया जाएगा और बताया जाएगा कि हमने यहाँ पर आपको क्यों इस तरह से बताया था, क्यों इस तरह से बोला था। तो ये हो गया आपका डीब्रीफिंग। ठीक है, डीब्रीफिंग मतलब आपका होता है सिंपल कि हम जो भी आपको हमने बताया था, रिसर्च करी थी हमने, उसके पीछे क्या कारण था, उसके बारे में आपको ब्रीफ कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ये डीब्रीफिंग होती है। ठीक है, तो डीब्रीफिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे। सो इसमें हम कोई डिसेप्शन था तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे हमारी पर्पस ऑफ स्टडी की, देखो ये रीजन था इसलिए हमने आपसे ऐसा ऐसा बोला। एंड पोस्ट स्टडी, ये पोस्ट स्टडी फॉलो अप होता है, स्टडी करने के बाद होता है इसलिए ये। पब्लिकेशन फाइंडिंग्स और एक्सप्लेनिंग सुपीरियोरिटी ऑफ प्रेजेंट रिसर्च, कि हमारी रिसर्च आपसे बेहतर कैसे है, या हमारी रिसर्च किसी और रिसर्च से बेहतर कैसे है, ये हम डीब्रीफिंग के अंदर नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? यस। चलो अभी एक बारी इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर क्या होगा इसका। डू नॉट एक्सपेक्ट टू हैव एवरीथिंग बटन्ड अप इन योर माइंड बिफोर हैंड। बटन्ड अप इन योर माइंड मतलब हर कुछ आपके दिमाग में बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल तैयार हो, किसके अंदर ऐसा नहीं होता है। ओके, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी कंडक्टिंग एन इंटरव्यू। आर्टिकल लिखोगे तो सब कुछ ऑब्वियसली तैयार होगा, रेडी होगा, तभी आप आर्टिकल लिखोगे। स्पीच डिलीवर करने जाओगे तो ऑब्वियसली पूरी तैयारी से जाओगे। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई ये रिसर्च करना क्यों जरूरी था, हमने यही टॉपिक क्यों चुना, तब भी तैयारी होगी दिमाग में, तभी आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे सकते हो। सिर्फ क्यों जब स्पीच दोगे तो आप बिल्कुल तैयारी से जाओगे ना, ऐसा तो है नहीं आप वहां जाके सोचोगे, हर कुछ तैयार होगा। सिर्फ इंटरव्यू के टाइम पे हम हर कुछ प्लान नहीं करके बैठते हैं,
कुछ मैंने प्लान कर लिया कि अच्छा मैं ये चीजें पूछूंगी। अब जब मैं क्वेश्चंस आपसे पूछने लगी और आपका जो आंसर होगा, जिस तरह से आप मुझे रिप्लाई कर रहे हो उसके बेसिस पे हम वहीं पर और क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। तो हर कुछ हम प्लान करके नहीं बैठते हैं इंटरव्यू में, कुछ चीजें हम प्लान जरूर करेंगे कि ये सारी चीजें पूछेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें डिपेंड करेगी आप किस तरह से मुझको आंसर दे रहे हो इसके ऊपर। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर? यस, साक्षात्कार के दौरान। सो यस, अभी क्विकली वील मूव ऑन टू दिस पार्ट। वर्कशॉप होने वाली है जहां पर तोशिबा मैम आपके साथ शेयर करेंगी कि अप्रोच क्या होना चाहिए, यूनिट वाइज अप्रोच आपका क्या होना चाहिए यूजीसी नेट पेपर वन के लिए, मतलब किस यूनिट को हमें किस तरह से करना है, किस यूनिट में क्या करना है, हर एक चीज। पेपर वन के फर्स्ट टू 10 यूनिट्स का पूरा आपको अप्रोच बताया जाएगा इस वर्कशॉप में, जो कि होगा कब, जो कि होगा आपका 5 मई को शाम के 6 बजे, राइट? तो शिबा मैम विल बी कंडक्टिंग दिस वर्कशॉप। अब इस वर्कशॉप के लिए आपको करना होगा रजिस्टर। रजिस्टर कैसे करोगे आप, तो आपको लिंक यहाँ पर कमेंट्स में भी अवेलेबल है, आप इसमें जाके रजिस्टर कर लो। फ्री वर्कशॉप होगी आपको, बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, सो यस प्लीज डू ज्वाइन। सो नेक्स्ट, आई एम वेरी ग्लैड टू अनाउंस दिस दैट बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने नेट और ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप JRF और नेट क्लियर किया है। 600+ स्टूडेंट्स बायजूस एग्जाम प्रेप, फीलिंग वेरी प्राउड टू से दैट, हैव क्लियर्ड JRF एंड ऑल्सो मोर देन 1500 स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर्स। सो दीज आर आर टॉपर्स, यू कैन बी द नेक्स्ट। प्लीज मेक श्योर कि यू डू अ वेल प्लान्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड स्टडी, एंड ऑल्सो प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो स्टडी हो ना बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो, वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्लान्ड हो। ठीक, वो कैसे हो सकती है, कीप फॉलोइंग अस ऑन आर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऐप पे, हमारे कोर्सेज में भी आप एनरोल कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो तैयारी है ना स्ट्रक्चर्ड हो जाए, बिल्कुल आप स्ट्रीमलाइन अपनी तैयारी करो, बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़ो, स्मार्ट वर्क करो, एंड फॉर दैट यस ऑब्वियसली बायजूस एग्जाम प्रेप इज वन स्टॉप लोकेशन फॉर यू ऑल। अच्छा, अभी हम यहाँ पर देखेंगे फ्री PDF और क्विजेस, अगर आपको चाहिए आपकी तैयारी के लिए तो आप उसको भी यहाँ पर स्कैन करके, इस QR कोड को स्कैन करके अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको अपना गूगल लेंस खोलना होगा, गूगल लेंस खोल के इसको स्कैन करो फॉर सम फ्री PDF एंड क्विजेस। Yes, and also make sure that you subscribe to our Telegram channel and also to our Instagram handle. So yes, that was all. That was all for today. अगले थर्सडे को हम मिलेंगे विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक दिस, तो प्लीज मेक श्योर यू अटेंड दैट टू। चले, थैंक यू सो मच गाइज, कॉमेंट्स में जरूर लिख के मुझे बताना सेशन कैसे लगा, ताकि हम इस तरह के सेशन आपके लिए और लेके आ सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।